हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी इको का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको बताता हूँ, तो सिर्फ ध्यान से सुनना है और जितना बता रहा हूँ उसे बस लिख लो। पढ़ना ऐसे भी है और वैसे भी है, तो बस भरोसा करना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। टोटल आपको 14 से 12 क्वेश्चन आएंगे। हद का पेन, फोर्टीन क्वेश्चन आएंगे टोटल, समझे। इको से 14 से 12 क्वेश्चन पर ईयर ये लोग पूछ सकते हैं। 14 नहीं 12 क्वेश्चन पक्का ही 2021 में आएगा। कब? नीट 2020-21 में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ पढ़ना ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, हो जाएगा। इसमें अब क्या क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा अगर पुराना एनसीईआरटी होगा, जो पहले के टाइम 1999-2000-2005-06 में जो बच्चे पढ़ते थे वो एनसीईआरटी होगा, तो एक बार उसे भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता, समझे। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना, एक्चुअली समझ लेना, रटने लायक इसमें कुछ है नहीं, समझे। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना, 13.1 ये इम्पोर्टेंट है, 13.1। फिर मेजर एबायोटिक फीचर्स, टेम्परेचर वगैरह, इसमें आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह मिलेगा, वो डेफिनेशन देख लेना। ये जैसे यूरीथर्मल हो गया, यूरीथर्मल किसे बोलते हैं, स्टेनोथर्मल किसे बोलते हैं, यूरीहाइलिन किसे बोलते हैं, स्टेनोहाइलिन किसे बोलते हैं, ये देख लेना। तो दो चीज़ें मैंने बताया, इसमें क्या क्या बताया, एक ये ग्राफ हो गया और ये सारा कुछ डेफिनेशन वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये नीट 2021 में आ सकता है, कन्फॉर्मर रेगुलेटर पार्शियल रेगुलेटर्स। इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना, ये पूछेगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजमिक रिस्पॉन्स। तीन चीज़ें हो गई, वही दिया हुआ है किसे क्या बोलते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अब एडेप्टेशन में कुछ वैसा है नहीं, ये पॉइंट थोड़ा पढ़ लेना, कैम से रिलेटेड, वाटर और स्टोमेटा कब खुलता है कब क्लोज होता है। यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, थोड़ा इसे पढ़ लेना, फोटोसिंथेटिक पाथवे। और फिर आते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये भी 2021 में पूछ सकता है, 2018 में ये क्वेश्चन आया है। इसका एग्जांपल याद रखना, डिक्लाइनिंग जापान, स्टेबल चाइना। अभी के हिसाब से देखोगे तो डिक्लाइनिंग जर्मनी है, समझे। एग्जांपल में जर्मनी है, मैंने कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन डाल रखा है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव किसे बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव किसे बोलते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव न्यूमरिकल करके पूछा था, प्री रिप्रोडक्टिव का जो बनेगा वो आप लोगों का एक्सपेंड रहेगा, समझे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये अगर क्वेश्चन कैसे देगा, ये आपको दिया था प्री रिप्रोडक्टिव दे दिया था 160, फिर दे दिया 80 रिप्रोडक्टिव, फिर बोला कि उस पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव 50। तो इसको कैसे करना है, पहले होता है प्री रिप्रोडक्टिव तो 160 बना दिया, फिर पोस्ट फिर रिप्रोडक्टिव बोल रहा है 80 है तो 80 कर दिया, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव 50 बोल रहा है तो 50 ऐसा बना दिया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका एक्सपेंडिंग बन रहा है, एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग बन रहा है, मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और ये स्टेबल पॉपुलेशन और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, समझ गए। इस तरीके से अब मान लो कभी आपका प्री रिप्रोडक्टिव कम दे देगा, नीचे 50 दे दिया, रिप्रोडक्टिव 80 दे दिया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और भी कम दे दिया, तो आप लोगों का डिक्लाइनिंग बनेगा। स्टेबल में रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव सेम ही रहेगा, ऑन एन अप्रॉक्स इक्वल रहेंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत ही कम रहेगा, समझे। तो इस तरीका से करके देख लेना सारा कुछ, यहाँ पे पढ़ लेना, एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है कैसे कैसे क्या होता है। और इम्पोर्टेंट ये पूरा इसका डेफिनेशन याद रखना, 2018 में पूछा, और ये फॉर्मूला देख लेना एक बार। इमिग्रेशन किसे कहते हैं, मोर्टिलिटी किसे कहते हैं, इमाइग्रेशन किसे कहते हैं, नेटिलिटी किसे कहते हैं, समझे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ लेना, और ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ और लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ, ये देख लेना 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये फॉर्मूला देख लो, बहुत बार पूछा गया, और एसिम्प्टोट किसे कहते हैं, समझे। तो इस चैप्टर में बस आई थिंक इतना ही काफ़ी है, एक चैप्टर आपका, हाँ, और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में ये म्यूटलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्युनलिज्म और एमिनिज्म, समझे। यही पूछा जाएगा, 5 से 6 चीज़ें मैंने बताया, यही आएगा नीट 2021 में इस चैप्टर से, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब डिटेल्स में सबके डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स में दे रखा है,
एक और सूडो कॉपुलेट होता है जो कि लास्ट पेज में दे रखा है, सूडो कॉपुलेट। ये रहा सूडो कॉपुलेट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेना सूडो कॉपुलेट्स का, समझे क्या होता है और एग्जाम्पल। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इकोसिस्टम, इसमें भी डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत सारे स्टैंडिंग क्रॉप स्ट्रेटिफिकेशन ये सब का डेफिनेशन है, ये सब याद कर लेना। आपका इधर एक चीज़ होता है डेट्रिटोवोर्स, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसमें डेट्रिटोवोर्स मिलेंगे, डेट्रिटोवोर्स का डेफिनेशन देख लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू बी फंक्शन एज ए यूनिट, 2012 में पूछा गया, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये चार चीज़ें होते हैं, समझे। अब प्रोडक्टिविटी में डेफिनेशन मैंने पिछले ईयर बोला था कि देख लेना, और ये क्वेश्चन आपका आया था, समझे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो अपलोड किया था, 200+ या 300+ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट, और उसमें मैंने ये लिखा था और ये आपका आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 2015 में ऑलरेडी पूछ चुका है डेफिनेशन वगैरह। तो फॉर्मूला वगैरह देख लेना, मे भी न्यूमरिकल वो लोग पूछ ले, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं, ये यहाँ आ रहा है डेट्रिटस और डेट्रिटोवोर्स, देख लेना इसे, इसकी डेफिनेशन। अब इसमें कुछ बचता नहीं है, एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो किसे कहते हैं, एनर्जी फ्लो अच्छे से देख लेना। इसमें अगर पूछता है तो 10% लो, समझे। एक देखो स्टैंडिंग क्रॉप और 10% लो, स्टैंडिंग क्रॉप और 10% लो, और ये वाला ग्राफ बस, और इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ट्रॉफिक लेवल वाला पढ़ लेना ये सारा कुछ। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अप राइट होगा रोम्बाइडल, पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिडल, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास, बायोमास का जो होगा इन्वर्टेड होगा, बस इसे याद रखना, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोसिस्टम में तीन चीज़ें हो गई, और ये वाला भी ग्राफ है एनर्जी के लिए बताया मैंने, और यहाँ पे अगर ज़्यादा डीप जाएगा तो वो दो चीज़ें पूछ सकता है, सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या चीज़ होता है और प्राइमरी सक्सेशन क्या चीज़ होता है, एग्जांपल उसके कैसे कैसे क्या हुआ था सारा कुछ मैंने पहले भी समझा रखा है, वो देख लेना। उसमें हाइड्रार्च सक्सेशन और जेरार्च सक्सेशन आएगा, समझे। और यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ डेफिनेशन कैसे क्या होता है, और डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक जैसे है ना जल के बन रहा तो एक आएगा सक्सेशन, और एक कुछ है ही नहीं, पहाड़ी इलाका था उसमें धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहे हैं और फिर फॉरेस्ट बन रहा, तो उसे हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, ऐसा ही है। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल है, 2015 में पूछ चुका है न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस में नाइट्रोजन कार्बन और सेडिमेंट्री में सल्फर एंड फॉस्फोरस, गैसियस में नाइट्रोजन कार्बन, सेडिमेंट्री में सल्फर और फॉस्फोरस, तो ये देख लेना। स्टैंडिंग स्टेट का डेफिनेशन देख लेना, इम्पॉर्टेंट, 2015 में पूछा गया, तो देख लेना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस में क्या आता है बस। और ये वाला 2014 में ये डायग्राम उठा करके दे दिया था, ए बी सी डी ऐसे लिखा था, अब आपको ऑप्शन में दिया था ए बी सी डी कौन क्या है तो आपको लिखना था, तो ये डायग्राम अगेन इम्पॉर्टेंट है। और ये फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल का डिफरेंस बिटवीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बस हो गया इकोसिस्टम वहीं तक था। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें भी डेफिनेशन याद करना है, और ख़ास करके यहाँ पे ये देख लेना जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता, एग्जाम्पल इसका पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए, बार बार बता रहा हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट इग्नोर कर देंगे, तो इसे देख लेना ये एग्जाम्पल। IUCN रेड बुक एक करके है वो पढ़ लेना आप लोग, IUCN किसे कहते हैं और क्या होता है, लेटिट्यूड से रिलेटेड पहले समय में पूछा जाता था, 2002-03 में पूछा जाता था, अभी नहीं पूछते हैं वहाँ से क्वेश्चन। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, टिक मार्क 2021, बस और कुछ नहीं है इसमें। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये वाला किसने दिया था, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, इर्लिच, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन 228% गलत है, जर्मन कहाँ का है ये, स्टैनफोर्ड का, तो वहाँ का प्रोनाउंस वही लोग कर सकते हैं, समझे।
तो देख लेना इसे, नेम याद रखना बस, पूछा जा सकता है आपसे। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IUCN रेड लिस्ट 2004 में आया था डॉक्यूमेंट, जो कि एक्सटिंक्ट जो कर गए हैं उनका वो नाम रखता है, समझे? तो एक बार इसे पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। यहाँ पे द एविल क्वार्टेट काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस 2020 में भी पूछ सकता था, 2021 में भी पूछेगा, ये हॉट टॉपिक है, ये कभी भी पूछ सकता है। तो चार चीज़ें, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी लॉस का। फिर आता है ओवर एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पेसीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन। चारों चीज़ें याद करना, चारों चीज़ें आ सकते हैं। और लास्ट एक सीतू कंजर्वेशन एंड इन सीतू, ये मैंने आपको कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन पूछा था जो कि आप लोगों ने गलत कर दिया था। इन सीतू में हॉटस्पॉट देख लेना, 34 होते हैं टोटल, 2016 में पूछ चुका है फेज टू में, तो इसे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इन सीतू में हॉटस्पॉट और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है, बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, और इसके एड ग्रुप्स भी इसी में आता है। एक सीतू कंजर्वेशन में आपका होता है जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक, समझे? और अर्थ समिट इम्पोर्टेंट है, अर्थ समिट 2021, अर्थ समिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। मतलब समझ में आ रहा है ना, इन सीतू पूरा पैराग्राफ, एक सीतू पूरा पैराग्राफ, कुछ नहीं लड्डू है। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, जूलॉजिकल, बॉटनिकल, वाइल्ड लाइफ सफारी एग्जाम्पल है और सीड बैंक एग्जाम्पल है एक सीतू में। एक सीतू किसे कहते हैं, रिजर्व करने वाला को, इन सीतू किसे कहते हैं, और इन सीतू में हॉटस्पॉट होते हैं, टोटल नंबर हॉटस्पॉट कितने हैं, 34 है, कहाँ कहाँ है थोड़ा सा नाम एक बार पढ़ लेना। और एग्जाम्पल क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और आपका स्केड्यूल, बस खत्म। अर्थ समिट क्या चीज़ होता है, कहाँ पे हुआ था और किसने, किस किस कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका बेनिफिट किया था, बस उसके अलावा कुछ नहीं, समझे? उसके अलावा कुछ नहीं, ईयर बस याद रखना, वही पूछेगा कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था। इन्वायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, जितने भी एक्ट है ना, जितने भी एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन नॉइज, 2016 फेज वन में सारा एक्ट, मतलब एक एक्ट पूछा गया था, वो मे भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब हुआ था वो बताओ, 1980 में हुआ था। तो ये एक्ट आपको याद होना चाहिए, पूरे दिमाग में होना चाहिए ईयर सारे एक्ट के। और ये वाला देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसमें 2015 में पूछा है, स्क्रबर कैन बी रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, साफ सब पूछा था, कौन सा गैस रिमूव कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड, 0.2% टेक करके कॉन्सेप्ट, 2.5, 0.2 नहीं, 2.5 माइक्रोमीटर्स के पास हो जाते हैं, समझे? और यही सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, तो ये वाला याद रखना। और क्या एम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता था, और एम्स तो अभी हो नहीं रहा, तो नीट में अगर पूछता तो यही पूछेगा एम्स के बदले, बाकी कम है, चांसेस कम है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लेना, ग्राफ देख लेना, 2015 में पूछा गया है, किसे बोलते हैं वो आपको, ये डायग्राम, ये पूरा का पूरा डायग्राम इम्पोर्टेंट है, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में आ सकता है, यूट्रोफिकेशन पूछ ले, बायोमैग्निफिकेशन पूछ ले, या डायग्रामेटिक व्यू से वो लोग पूछ ले, जैसे 2016 फेज टू में पूछा गया था, तो इसे देख लेना। और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन किसे बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें बचती है, ग्लोबल वार्मिंग बचता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बचता है, और एक वेस्ट बचते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें दो तीन चीज, एक सॉलिड वेस्ट पढ़ लेना आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लोग पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे फोकस करना। उसके बाद एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, किसने दिया था, एक बहुत ही अच्छा, रमेश चंद्र दागर, ये नाम थोड़ा, कहानियाँ यहाँ पर दी हुई है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा मेहनत करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। एक वेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट NCERT से है, अगर आप ये चीज़ें पढ़ के जाओगे तभी आप कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, समझे? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वेस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कहानियाँ दी हुई है, कुछ नाम दिए हुए हैं जिन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, तो वो देख लेना।
रेडियो एक्टिव वेस्ट देख लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल के बारे में दिया है, क्योटो के बारे में नहीं दिया है। परसेंटेज पूछ लेते हैं, N2O का कितना होता है, CFCs का कितना होता है, मीथेन का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। 2012 या 15 में परसेंटेज पूछा गया है, 2015 में परसेंटेज पूछा गया है कौन सा एलिमेंट कितना होता है, तो परसेंटेज याद रखना। फिर आता है आपका ओजोन डिप्लीशन, 2018 में तो पूछा था वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, समझे? तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट छोड़ के आएंगे। अब जिनको एग्जैक्ट मालूम होगा कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, ये तो सिलेबस में था नहीं, कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, जिन्हें मालूम होगा कि कब मनाते हैं वही सॉल्व करके आओगे। अचानक से आपको कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि वो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाओगे और आपको समझ में आ जाएगा, वो याद करना होगा चीज़ें। तो थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना इसका, कब मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का क्या काम होता है इसमें, सारा कुछ देख लेना। नीट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा जा चुका है, समझे? इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेना, क्या क्या काउजेज होते हैं वो देख लेना, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट वगैरह वगैरह, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। जूम कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश बर्न एंड बर्न एग्रीकल्चर, रिफॉरेस्टेशन किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, चिपको मूवमेंट एंड जूम फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 2016 में ये पूछा था, कब हुआ था, 1980। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1974, और अमृता देवी बिश्नोई को अवार्ड कब मिला था, 1731 में, समझे? बस और कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं है। इतने 15 से 20-25 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया होगा, यही आएगा आपका क्वेश्चन फॉर्म में, 12 क्वेश्चन बन करके यही पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम होगा, पेपर उठा करके देख लेना। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, पक्का होगा, कन्फर्म रखो आपका 360 में सही से एनसीईआरटी पढ़ोगे, सही से बिटवीन द लाइंस जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ लोगे, ट्रू मैंस वगैरह से कवर कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, एग्ज़ाम दोगे अच्छे से, 360 में 340 पक्का कंफर्म रखो, जैसे अभी पैटर्न चल रहा आएगा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।